अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? आज 19 अक्टूबर है और आज मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज 19 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था उम्रे के लिए, परमिट के लिए। तो मुझे 19 को मिली थी परमिट, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ अभी। तो ये जितना भी टाइम गुजरा है 8-9 महीने ये कोविड-19 के, तो इसमें पहली दफ़ा मैं हरम जा रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं लेट हो गया था थोड़ा अप्लाई करने में, बस नसीब की बात है। तो अल्लाह भी आप सब लोगों का नसीब करे और उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वहाँ से नियत करके फिर इंशाल्लाह हरम पाक में मिलते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। कि 8:26 हो गए, 9 बजे का टाइम है। तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ भाई, टाइम नज़र आ रहा है शायद आपको, क्योंकि आधा घंटा पहले उन लोगों ने बोला था कि आप लोग आ जाइएगा, वहाँ पे मकतब है तो वहाँ से पहले पहुँचना था, मगर मैं लेट हो गया। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी हरम में। जी दोस्तों, अभी लाइन में लग गए हम लोग। ये देख रहे हैं ये लाइन से, अल्हम्दुलिल्लाह हम अंदर दाखिल हो गए हम लोग। अभी 9 बजने में 5 मिनट है, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हरम में दाखिल होने वाले हैं। अभी सीधा मतोफ की तरफ, तवाफ की तरफ ही नीचे हम लोग उतर रहे हैं। जैसे लिफ्टें भी हैं, मगर मैं ऐसे ही निकलना आया हूँ नीचे सीढ़ियों से। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नंबर लगे हुए हैं, ये सामने निशान लगे हुए हैं कि आप इस तरफ से जाएं और तवाफ जो है हमारा शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह तबारक। ये पाँव के निशानात लगे हुए हैं लाइन से, ये जैसे ही आप घूमते जाएंगे तो आप ये सबको डिस्टेंस रखने के लिए भी लगे हुए हैं पाँव के निशाना। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत रश है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये मेरा आखिरी चक्कर है, अभी सातवां चक्कर है तवाफ का। माशाल्लाह काफ़ी रश है, सुभान अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तवाफ पूरा हो गया और मैंने 2 रकातें नफिल भी अदा कर दिया। तो जो मकाम है इब्राहिम है, बिल्कुल उसकी बैक साइड पे मैंने मैंने 2 रकातें नफिल अदा की। ये देख, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सबको अल्लाह उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और आप लोगों के जो मसले हैं, परेशानियाँ, सब दूर करना। अभी सफ़ा मरवा की तरफ चलेंगे। ये सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मंजर, कितने दिनों के बाद ये मंदिर देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह या रब लक शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या करीम, या रब लक शुक्र, या रब। तो अभी चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। तकरीबन 25 मिनट लग गए तवाफ में भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। हाँ बाबा, माशाल्लाह काफ़ी रश है, अल्लाह सबका उम्रा कबूल फरमाए और सबकी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब। ये सफ़ा की पहाड़ी है, यहाँ से मेरा पहला चक्कर जो अभी शुरू हो गया। यहाँ पे भी टोटल निशान है डिस्टेंस से 1 मीटर का, उसके हिसाब से खड़े होके आप दुआ भी मांग सकते। पूरी लाइन प्लास्टिक की हवा, जिस बंद किया हुआ ताकि कोई दीवार को टच ना करे कोरोना की वजह से, एहतियात के लिहाज से। माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत सुकून से आप उम्रा कर सकते हैं। बहुत सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है, डिस्टेंस का भी। अल्लाह चप्पे चप्पे पे सफाई करने वाले,
जी अल्हम्दुलिल्लाह, उमरा पूरा हो गया। मैं हरम से बाहर निकल आया, अभी इस सामने वाले गेट से ही मैं दाखिल हुआ था, इस सामने वाले गेट से, मगर दूसरे दरवाजे से निकलने का रास्ता दूसरे दरवाजे से। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे इलाके में एक दुकान है, छोटा सा, क्या हाल है भाई? ठीक है। मास्क ऊपर करो, उम्र किया माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र हो गया और जो दो चार बाल बचे थे वो भी खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अल्लाह।